अपने आज के सेशन की तरफ चलते हैं। अच्छा, उससे पहले बताएं कि आपने जैसे माशाल्लाह कुछ तो मैंने देखा स्टूडेंट्स ने अपनी टू डू लिस्ट बनाई थी, बाकी स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं काम इस पे? लिस्ट बनाई आपने, कुछ हेल्प हुई आपको? असल में ना, अगर नहीं भी बनाई तो आई टोटली अंडरस्टैंड, क्योंकि उसकी वजह ये कि हमें ना आदत नहीं होती। तो वही बात है ना कि इस कोर्स में हम क्या कर रहे हैं, आदत बिल्ड कर रहे हैं ना, अच्छी हैबिट्स को। तो अगर नहीं है तो जैसे आप देखें कि ये भी हो सकता है कि अभी बहुत ज्यादा आपके जहन में आइडियाज ना आ रहे हों, या ये चीज ना आ रही हो कि मेरे करने के काम कौन कौन से हैं। तो फिलहाल आप जो मोटे मोटे काम भी अगर कोई याद आते हैं ना आपको, जैसे मसलन ट्यूसडे का दिन है, ठीक है, तो उसमें जैसे इस तरह की बातें कुछ लिख लें कि मसलन क्लास लेनी है, कुकिंग करनी है, सबका करना है, ऐसे चार पांच काम लिखें। अगर आप एक दिन में करने के पांच काम भी लिख लेते हैं तो वो भी आपने बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए। क्योंकि आप देखिए, एक चीज याद रखें कि हमेशा काम की आदत डालने के लिए ना बेबी स्टेप से स्टार्ट करें। जैसे एक दफा मुझे किसी ने पूछा था ना कि मसलन मुझे नफल पढ़ने की आदत नहीं है, और मसलन मैं जो ये इशराक या चार के चार नफल नहीं पढ़ सकती, तो मैंने उनसे कहा था आप दो से स्टार्ट कर लें। यानी आप देखें ना, चार ज्यादा है ना, लेकिन दो तो आसान लगते हैं, क्योंकि अगर आप दो दो नफल पढ़ना शुरू कर देंगे तो जब आपकी आदत बन जाएगी ना दो पढ़ने की, तो फिर आपके लिए चार भी आसान हो जाएगा। फिर आपकी जब आदत चार की बन जाएगी, फिर आपके लिए छह पढ़ना आसान हो जाएगा। जब छह की बन जाएगी तो आठ पढ़ना आसान होगा। तो हमेशा आप ये सोचें कि अगर एक काम आपसे नहीं हो रहा ना, तो आप बिल्कुल बेसिक से उसको स्टार्ट कर लें। यानी आप अगर तहज्जुद के वक्त उठते हैं और आपको है कि आठ नफल नहीं मैं पढ़ सकती, आप दो पढ़ लें, आप सिर्फ वितर पढ़ लें। लेकिन मेन चीज क्या है कि आपने अपनी हैबिट बिल्ड करनी है, और एक दफा जब इंशाल्लाह आपकी आदत बन जाएगी ना, फिर ज्यादा करना आसान है। ठीक है, तो चलिए इंशाल्लाह आज के सेशन की तरफ चल। जी हाँ, रिकॉर्डिंग बस जैसे ही एडिट होती है तो इंशाल्लाह हम लोग उसको अपलोड कर देंगे। ठीक है। व्हेन आई टेक द जॉब डन आई फील सो ग्रेटफुल एंड मेक दुआ ऑन ईच जॉब टू अल्लाह, या अल्लाह गिव मी तौफीक टू डू द नेक्स्ट जॉब प्लस बरका। दिस मेकिंग टू डू लिस्ट इज बिकमिंग अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथनिंग माई कनेक्शन विद अल्लाह। माशाल्लाह, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा। यानी हर काम को लिख के अल्लाह से दुआ भी मांगो। ये आप देखिए, ये एक और अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने सीखी, कि बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि आप बहुत सारे काम लिखते हैं और आपको लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, तो उसमें भी एक चीज आप क्या कर सकते हैं साथ साथ, कि आप दुआ भी अल्लाह से साथ साथ मांगे। सही, चलिए इंशाल्लाह अब हम भी दुआ के बाद अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। रसूल करीम, अम्मा बाद, फौज़ बिल्लाह शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, रब शरहली सदरी वयस्सरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा हद क़ल्बी वसद्दद लिसानी वस्लुल सक़ीमत क़ल्बी, आमीन। अच्छा, ये बता रही है कि आई डिस्कवर्ड तौफीक इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग। बिल्कुल, और आप देखिए, हम जो दुआ भी मांगते हैं ना अल्लाह से, यानी आप देखिए, दो क्वालिटीज हैं जिनकी दुआ भी मांगी गई है ना। एक है अल्लाहुम्मा वफ़िकनी लिमा तुहिब्बु व तरदा, कि या अल्लाह मुझे तौफीक दें कि मैं वो अमल करूं जिससे आप मोहब्बत करते हैं और राजी होते हैं। ठीक, दूसरी आप देखें, रब्बी औज़ैनी अन अशकुर निअमतक अल्लती, कि आप अल्लाह से तौफीक मांग रहे हैं शुक्रगुजारी की। तो इमेजिन करें, अगर एक ईमान वाले के अंदर ये दो चीजें स्ट्रांग हो जाएं, इखलास और शुक्रगुजारी, तो क्या उसकी जिंदगी में कोई गम दुख परेशानी हो सकती? तो इसलिए आप देखें कि अल्लाह से जब आप तौफीक मांगते हैं ना, तो आप अपनी बंदगी का इजहार कर रहे होते हैं। आप क्या कह रहे होते हैं, अल्लाह मैं आपकी बंदी हूं, आप मेरे रब हैं, मेरी तो इस्तेआत में कुछ भी नहीं सवाए इसके जिसकी आप तौफीक दे। तौफीक आप देखें, अगर आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, बाज़ इंग्लिश में ज्यादा अच्छे से समझ आता है,
तो तौफीक होती है एबिलिटी, स्ट्रेंथ हो सकती है, कैपेसिटी हो सकती है, कैपेबिलिटी हो सकती है। तो हम बाज़ार कहते हैं ना, आई एम नॉट एबल टू डू इट, लेकिन अल्लाह सुबहाना ताला से आप क्या मांग रहे हैं कि अल्लाह मेरी कैपेसिटी बढ़ा दें, मेरी एबिलिटी बढ़ा दें, मुझे स्ट्रेंथ दें कि मैं इस काम को कर सकूं इंशाल्लाह। जी हाँ, कोशिश के साथ दुआ भी जरूरी। आप देखिए कि ये बात तो हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से भी पता चलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, पहले असबाब इख्तियार किए, फिर उसके बाद अल्लाह से दुआ मांगी। ऐसे है ना, जंगे बदर इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस थे वो सब जमा किए और फिर अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ मांगी। तो हम सब ने भी अपनी जिंदगी में यही करना है, ठीक है? चले अल्हम्दुलिल्लाह, हम किताब पढ़े, मेरा जीना मेरा मरना, जिसमें हमें हमारी जिंदगी का मकसद किस तरह से हासिल करना ये बताया गया है, और इसकी इंस्पिरेशन जो है सूरह अनाम से है। अच्छा, ये बताएं कि रीडिंग की हैबिट कैसी जा रही है? अब काफी सारी हैबिट्स आपको साथ साथ करनी पड़ रही, लेकिन कोई बात नहीं, थर्ड टर्म ना ऐसी होती है, बहुत सारे काम साथ साथ करने होते हैं। रीडिंग भी कर रहे हैं, गुड माशाल्लाह। बहरहाल कम अज कम एवरी वीक 5 या 6 या 3 4 जितनी भी इजी हो आपने रीडिंग जरूर करनी है, ठीक है? और इस किताब को पढ़ने का मकसद क्या है कि अपने जो हमारे इस वक्त हाल है ना, जैसे आपको बताया ना कि एक किताब भी है और अब तो इस पर इतना ज्यादा काम किया जा रहा है, द पावर ऑफ नाउ, यानी ना तो हमें पास्ट में रहना है ना हमें फ्यूचर की फिक्र करनी है, बल्कि हमें फ्यूचर के बारे में सिर्फ एक बात की फिक्र करनी है, और वो क्या है कि मेरा अंजाम, मेरी कब्र, मेरी आखिरत, उसको मैंने खूबसूरत करने के लिए आज का दिन और आज का वक्त खूबसूरत बनाना है, ठीक है? तो वैसे हम बाकी दुनियावी चीजों की फिक्र नहीं करेंगे, हम किस चीज की फिक्र करेंगे? अपनी आखिरत की और अपनी मौत की, और उसको सामने रख के हम अपने हाल की इसलाह करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अगर जिंदगी बेहतरीन है तो अंजाम भी बेहतरीन होगा इंशाल्लाह। तो हम अच्छी आदत के बारे में बात कर रहे थे, क्विक सा रिव्यू जो अभी तक हम टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। एक तो हमने हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना है, और हेल्दी लाइफस्टाइल में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अपनी सेहत का ख्याल रखने के साथ साथ हर हाल में हर वक्त अल्लाह ताला को याद करना। और फिर दूसरा हमने खास तौर पर देखा था कि हमें अपनी जिंदगी में क्या लेकर आना है। अगर हम अपने वक्त को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है? एतदाल लेकर आना है, सादगी लेकर आनी है, शाबाश, क्योंकि जब जिंदगी में सादगी होगी तो बामकसद चीजों के लिए वक्त निकलेगा। लेकिन जब जिंदगी में बहुत कुछ, यानी आप कह सकते हैं ऐशो आराम और आसानी और तन आसानी की चीजें आ जाती हैं, तो फिर इंसान मकसद से दूर होता चला जाता है। इसलिए आप देखें कि हमें हमारा लाइफस्टाइल, हमारी हैबिट्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट करती है ना कैसी हैं। तो आप लोग इन पे अभी भी अमल कर रहे हैं, ये सारी जो हमने 33+ आदत अपनाने की कोशिश की थी, यानी आप देखें इनको एक दफा दिन में जरूर देखें और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये आदत का हिस्सा बनती जाएंगी। और इसी तरह दुनिया में हमने मिनिमलिस्ट की तरह रहना, यानी जिस तरह एक ट्रैवलर होता है, तो माशाल्लाह इसकी ऑलरेडी हमने एक रिविजन कर ली कि माशाल्लाह आप करने के काम लिख रहे हैं। बहरहाल बेशक 1 2 3 काम लिखें, लेकिन हर रोज लिखने की आदत डालें। कुछ भी नहीं समझ आ रहा ना तो आप लिखें, इंशाल्लाह आज सारी नमाजें अव्वल वक्त में पढ़ूंगी, ये बस लिख लें, इंशाल्लाह आज सदका करूंगी, यानी कोई भी काम लिखें जरूर। आपका पेन और आपकी डायरी हर रोज हरकत में आनी चाहिए। एक दफा आदत पड़ गई ना, आप सोच नहीं सकते कि आपका कितना टाइम बेहतरीन मैनेज होता है जब आप लिखने की आदत डाल लेते। और इसी तरह आप देखिए, अगर आपको लगे कि आप बहुत ओवरवेल्म हो रहे हैं, आप बहुत ज्यादा आपके काम है और आपको समझ ही नहीं आ रही कहाँ से शुरू करें, तो फिर आपने ये बात याद रखनी है कि मुझे अपनी इबादत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, बल्कि अपने रब से दुआ मांगनी,
کیونکہ وقت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اور اللہ ہی ہمارے وقت میں برکت ڈالتے ہیں. آپ اس بات کو ایکسپیرینس کرتے ہیں کبھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے وقت میں برکت ڈال دی، اور آپ بعض دفعہ 1 گھنٹے میں 3 گھنٹے کا کام کر لیتے ہیں، بعض دفعہ 10 منٹ میں آپ 1 گھنٹے کا کام کر لیتے ہیں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف ہر حال میں رجوع کرنا ہے. جہاں پہ ہم پھنس جائیں، جہاں پہ سٹک ہو جائیں، فوراً اپنے رب کی طرف پلٹے. الحمدللہ. اچھا یہ بتائیں کہ اپنا انالیسس بھی کر رہے ہیں رات کو سونے سے پہلے کہ میرا دن کتنا پروڈکٹیو تھا، اور میں نے کون سی چیزیں آج کی جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، کون سی چیزیں میں نے کی جو میں کل بھی کنٹینیو کروں گی، اور پھر خاص طور پہ ایک انالیسس کے کتنے کام اخلاص والے تھے، کتنے کاموں میں کچھ دکھاوا بھی ہو گیا، کتنے کاموں نے مجھے جنت کے قریب کیا، کتنے کاموں نے مجھے جہنم سے دور کیا. یعنی یہ ایک دفعہ ضرور اپنے ڈے کا انالیسس کر کے اور اچھی باتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں. جیسے آپ رات کو لیٹے اور آپ نے سوچا الحمدللہ آج فجر سے لے کے عشاء تک ساری نمازیں وقت پہ ادا کی ہیں، اللہ کا بہت احسان و شکر ہے. تو یا اللہ میری اس توفیق کو برقرار رکھے. جتنی آپ نے دن میں اچھی چیزیں کی ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کریں. اس لیے میں استاذہ کا ایک لیکچر سن رہی تھی تو کسی نے کہا کہ استاذہ ہم نے تو بہت سارے کام یعنی کیے ہیں، مگر یہ نہیں پتا کہ پتہ نہیں نیت صحیح تھی کہ نہیں. استاذہ نے کہا کہ اب آپ اپنی نیت صحیح کر کے اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ وہ سب کام آپ کے لیے تھے، آپ ان کو اپنی رضا کے لیے قبول کر لیں. تو بھول بھی جاتے ہیں نا کہ نیت کو کیسے ریفریش کرنا تھا یا اللہ کے لیے کرنا تھا. تو فوراً اس وقت اللہ سے دعا مانگ لیں کہ اللہ میری ساری نمازیں لوجہ اللہ ہوں، یا اللہ میرے سارے اعمال لوجہ اللہ بنا دیں. انشاءاللہ اگر بھول جاتے ہیں تو جب یاد آئے اپنی نیت کو ریفریش کر لیں. ہم نے الحمدللہ اپنا لیسن 3 سٹارٹ کیا ہوا ہے جس میں ہم روحانی زندگی کے بارے میں پڑھیں. یہ ہماری فزیکل لائف یہاں تک کمپلیٹ ہوگی. فزیکل لائف میں 3 میجر چیزیں آپ دیکھیں جو ہمیں کرنی ہے نا. ایک تو یہ کہ اللہ کے ذکر کو اپنی عادت بنانا، دوسرا ہم نے اچھی ہیبٹس بلٹ کرنی، تیسرا ہم نے کرنے کے کاموں کو لکھنا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جب آپ اچھی عادات بلٹ کریں گے نا تو خود بخود غیر ضروری چیزیں آپ کی زندگی سے نکلتی جائیں گی. یعنی جب ہمیں ضروری باتوں پہ فوکس ہو جاتا ہے نا ہمارا، تو غیر ضروری خود ہی نکل جاتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں مثلاً ایک میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ ٹیوزڈے وینسڈے کا دن ایسا ہے کہ جب آپ کو لگتا ہے کہ میں سب زیادہ پروڈکٹیو ہوں. اب آپ نے ان 2 دنوں میں ایسا ہو رہا ہے کہ بہت ساری اننیسیسری فون کالز آپ نہیں کر رہے، آپ ادھر ادھر میسیجنگ میں وقت نہیں ضائع کرتے ہیں، آپ بہت ساری ایسی چیزیں نہیں کرتے جو آپ پہلے کرتے تھے جب ٹیوزڈے وینزڈے کو آپ کلاس ہی لیتے تھے. ایسا ہی ہے نا. تو اب ہوا کیا کہ آپ کی زندگی میں چونکہ اچھی باتیں شامل ہو گئیں تو غیر ضروری خود بخود نکل گئی. اب دیکھیں یہی ہم نے کرنا ہے کہ آپ کو فورس نہیں کرنا پڑے گا اپنے آپ کو، صرف آپ نے اچھی باتیں لے کر آنی ہے، غیر ضروری خود بخود نکلتی جائیں گی انشاءاللہ. بالکل. اچھا روحانی صحت میں جو کچھ باتیں ہم نے شروع میں انٹرو میں دیکھی تھی، ایک تو یہ تھا کہ جسم کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی روح کا بھی خیال رکھنا ہے کیونکہ دونوں انٹرلنکڈ ہیں. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں کہ روحانی صحت میں ہمیں سب سے زیادہ اپنے جس آرگن پہ کام کرنا ہے وہ کون سا ہے؟ ہمارا دل. آپ دیکھیں کہ پہلے تو بہت عرصہ یہ ڈیبیٹ رہی نا کہ انسان کے جو سوچ ہے وہ کہاں سے آتی ہے، دل سے یا دماغ سے. لیکن پھر آخر میں کنکلوژن کیا نکلا؟ دل سے. کیونکہ دل سے ہی دماغ کو بلڈ سپلائی ہوتا ہے نا. تو اگر دل صحیح کام نہیں کر رہا تو دماغ بھی صحیح کام نہیں کرے گا. یعنی آپ دیکھیے کہ اگر آپ کا دل آپ کے دماغ کو خون سپلائی کرنا چھوڑ دے، یعنی بلڈ سرکولیشن اگر
स्लो हो जाए तो क्या कुछ हो सकता है ना। जैसे आप देखें कि बाज लोगों को जैसे वो जो एकदम से पैरालिसिस हो जाता है, तो उसमें एक एक जो इनिशियल डायग्नोस्टिक होती है वो क्या होता है कि हार्ट से सप्लाई ब्रेन को नहीं जा रहा, तो मोटर नर्व्स उस तरह काम नहीं कर रही जैसे उनको कर, इसलिए ये पार्ट जो है सही फंक्शन नहीं कर रहा। तो इसलिए दिल चाहे फिजिकल हेल्थ हो चाहे स्पिरिचुअल, वो दोनों के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, फिर आप देखें कि ये भी हमने पढ़ा था कि इत्मीनान और सुकून किस दिल को मिलता है, वो कौन सा दिल होता है जिसमें सुकून भी होता है जिसमें इत्मीनान भी होता है। शाबाश, जिसमें अल्लाह का खौफ और अल्लाह की मोहब्बत एक साथ होते हैं। यानी इंसान अमल करके उसके दिल में अल्लाह का खौफ भी होता है और फिर साथ साथ अल्लाह ताला की रहमत से अच्छी उम्मीद भी होती है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि प्रैक्टिकली अल्लाह के खौफ और मोहब्बत की अलामत क्या है, यानी कौन सी बात है जो आपको बताती है कि मेरे अंदर अल्लाह का खौफ भी है और अल्लाह की मोहब्बत भी है। शाबाश, तकवा, शुक्र और तकवा, गुनाहों से बचना, वेरी गुड। तब आप देखिए, एक तो इसकी सबसे बड़ी अलामत है कि इंसान गलत चीजों की तरफ माइल नहीं होता, यानी आपका दिल बुरी चीजों की तरफ नहीं जाता। जैसे आप देखिए कि एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देती हूँ, आई थिंक हम सभी इन चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं। यानी कुछ ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं ना जिसमें कुछ ऐसी चीजें भी रखी होती हैं जो हराम होती हैं, जैसे गोश्त है या और ऐसी चीजें, तो आप उस जगह का रुख ही नहीं करते ना। यानी आपको पता होता है कि इस ग्रोसरी स्टोर में इस सेक्शन में मैंने नहीं जाना, और आप क्यों नहीं जाते कि आपके अंदर वो अल्लाह का खौफ और डर होता है और आपको पता होता है कि मेरे रब ने इन चीजों को हराम किया है, तो आप ऑटोमेटिकली रास्ता बदल लेते हैं। सही है? इसी तरह आप देखें कि जिस इंसान के दिल में अल्लाह का खौफ होता है, वो गुनाह की तरफ जैसे अगर कोई चीज जा रही होती है तो वहां से वो रास्ता बदल लेता है, क्योंकि उसे पता है कि ये बात अल्लाह ताला को नापसंद है। यस, हम उन आइल्स को अवॉइड करते हैं। हम देखिए ग्रोसरी स्टोर के अलावा देखिए आप कपड़े लेने जाते हैं, ठीक है, तो आप उन सेक्शंस में नहीं जाते, आपका इंटरेस्ट नहीं होता जहाँ पे ऐसी क्लोथिंग है जो एक मुसलमान औरत नहीं पहनती। इवन आप अपनी बेटियों के लिए भी वो चीज़ें लेना पसंद नहीं करते जो कि इस्लाम में पसंदीदा नहीं है। सही है? अब आप देखिए ये मिसालें क्या हमें बताती हैं कि आपने अपने दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत, अल्लाह की अजमत को मजबूत किया, इस वजह से आपकी बॉडी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली सेटल हो जाती। जैसे आप देखते हैं कि बैठते और कोई मुसलसल किसी की बुराइयां कर रहे तो आप थोड़े से बेचैन से हो जाते हैं। बस कर दो भैया, टू मच हो गया, और फिर आपको लगता है कि अब मुझे इंटरफेयर करना चाहिए तो आप कर लेते हैं, फिर कोई और बात करते हैं या टॉपिक चेंज करते हैं। अब ये आप देखें, ये बात है गुनाह की तरफ माइल ना होना, कि हमारी बॉडी लैंग्वेज ऐसा बताती है कि हमें इस चीज में इंटरेस्ट नहीं। जैसे वो आपने इबादुर रहमान की क्वालिटीज पढ़ी थी ना, कालू सलामा, कि जब उनसे जाहिल बात करते हैं तो वो आराम से वहां से गुजर जाती है, यानी उन चीजों में इंगेज नहीं करते अपने आप को जो अल्लाह की नाफरमानी की। बिल्कुल, फिर इसी तरह आप देखें कि अब चाहे जाहिर है हम इंसान हैं और बाज़ वक़्त कोई कमजोर लम्हा आ जाता है, हमसे कोई गलती भी हो जाती, गुनाह भी हो जाता है, लेकिन फौरन से हमारे अंदर एक ट्रिक होती है और हम कहते हैं नहीं ये गलत किया, फौरन अल्लाह की तरफ रुजू और इस्तग़फ़ार। अच्छा, ये बताएं कि अल्लाह की नाफरमानी और गुनाहों की वजह से जिस्म का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा मुतासिर होता है? माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक, दिल। अच्छा, फिर आप देखें कि एक आप थोड़ा सा इमेजिन करें इस वक्त कि दिल जो है ना वो कनेक्टेड है आपकी ब्रेन से भी और आपकी जबान से भी। सही बात है, यानी दिल
दोनों मेन चीजों से कनेक्टेड है। जब अल्लाह की नाफरमानी गुनाह होता है तो फिर सोचें भी नेगेटिव होती है और आपकी जबान से भी फिर नेगेटिव निकलता है। यानी एक इंसान के अंदर से सही गलत का शऊर खत्म हो जाता है जब वो गुनाहों में इन्वॉल्व हो जाता है, और फिर जबान भी उसकी ऐसी हो जाती है, क्योंकि इसका मतलब है कि दिल पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। क्योंकि दिल अगर साफ हो तो सोच भी साफ होगी और जबान भी साफ होगी। यस, पूरी बॉडी लैंग्वेज आपकी इफेक्ट होती है, तो इसलिए आप देखिए इतना ज्यादा जरूरी है दिल की सफाई। और फिर जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है कि दिल हमारा ब्लैक होता जाता है हर गुनाह की वजह से। अगर फौरन हम इस्तगफार करके उस बात को छोड़ देते हैं तो वो स्पॉट साफ हो जाते हैं साथ ही। जैसे सिस्टर नबीला ने बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी थी कि आपके कपड़ों पे अगर कोई ऑयल का स्टेन लग जाता है और अगर आप उसको साफ करने के बजाय और ऑयल गिराते जाते तो क्या होगा? वो साफ तो नहीं होगा ना, वर्स्ट होता जाता है। बिल्कुल, अगर हम गुनाह करके तौबा नहीं करते तो यही होता है, दिल की हालत वर्स्ट से वर्स्ट होती चली जाती है। तो अब आप देखिए करना क्या है हमें। एक मुझे बहुत अच्छी लगी थी मिसाल के इस्तगफार जो है ना वो हमें डिटॉक्स करता है। यानी कुछ फूड्स हमारे जिस्म को डिटॉक्स करते हैं और इस्तगफार जो है वो हमारे दिल को डिटॉक्स करता है। अब आप देखें कि माशाल्लाह आपने नमाज नबी में आजकल आप उसकी असेसमेंट भी दे रहे हैं, तो ये जो असेसमेंट है ना इसका मतलब भी यही है कि आपको रुकू और सजदे की वो दुआएं भी याद हो जिनमें अल्लाह ताला से इस्तगफार किया गया है। क्योंकि नमाजों में तो आप पढ़ेंगे ही ना, तब आप देखें अगर आप नमाज की हालत में आप रुकू में भी इस्तगफार कर रहे हैं, आप सजदे में भी इस्तगफार कर रहे हैं, आप तशहुद में भी इस्तगफार कर रहे हैं, तो नमाज आपको डिटॉक्स कर लेती है। तो इसलिए वैसे भी हमें इस्तगफार करना और खास तौर पर नमाजों में, ठीक है। और फिर अगली चीज हमें क्या करनी है डिटॉक्स करने के लिए अपने आप को, ताकि हमारी जबान भी हमारा पूरा जिस्म डिटॉक्स हो ना रूहानी तौर पे, कुरान को अपना दोस्त बना लो। क्योंकि आप देखें कुरान शिफा है बहुत सारी जिस्मानी और रूहानी बीमारियों की। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया था कि यानी दिल रस्टेड हो गया, बहुत बहुत दुनिया आ गई है उसमें, अब क्या करें? मौत को याद करें और कुरान की तिलावत। और फिर आप देखें इसी तरह अल्लाह सुबहान तआला ने कुरान मजीद में कुरान को शिफा और रहमत कहा है, लेकिन आपने नोटिस किया कि इसके साथ लिल मोमिनीन भी आया है। तो यहाँ पर एक और बात मजीद क्लियर हो जाती है। कुछ लोग जब आप कहते हैं ना आप कुरान ज्यादा पढ़े हो, तो मैं तो सारा दिन कुरान पढ़ती रहती हूँ, बहुत वक्त मेरा कुरान के साथ गुजरता है। अगर बहुत ज्यादा कुरान पढ़ने के बावजूद भी आपका जिस्म और आपकी रूह जो है सेहतमंद नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि मोमिन होने का में कमी है, यानी ईमान नहीं है आपका। जिस इंसान का ईमान होता है ना कि कुरान का पढ़ना रहमत है तो अल्लाह की रहमत आती है, जिसका ईमान होता है कि कुरान से मुझे शिफा मिलेगी तो उसको शिफा मिलेगी। आप देखिए कुछ लोग सिर्फ सूरह फातिहा से दम करते हैं और उनको दर्द में आराम आ जाता है। कुछ कुछ लोग इतने यकीन से सूरह फलक और सूरह नास पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि हर जादू का इलाज है ये, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने जब ये दो सूरतें पढ़ी थी तो उनके जादू का असर खत्म हो गया था जिसने भी उनपे किया था। अब देखिए कितनी मामूली सी आसान सी दो, यानी पढ़ना कितना आसान है ना दो सूरतों का, लेकिन हमें क्यों नहीं फायदा होता? क्योंकि यकीन की कमी है। यस बिल्कुल, आप देखिए अल्लाह ताला हमारे साथ हमारे गुमान के मुताबिक मामला करता है।
آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپ دل میں سوچ رہے ہیں، یا اللہ اس قرآن کی وجہ سے میرے گھر پہ رحمت و برکتیں نازل ہیں، یا اللہ میرے گھر میں جو پریشانی ہے یا اللہ اپنی رحمت سے ان کو دور کر دیں. آپ پڑھتے جا رہے ہیں، دل میں یہ سوچیں آتی جا رہی ہیں، اور آپ کو یقین بھی ہے کہ ایسا ہوگا تو ویسا ہوگا پھر انشاءاللہ. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر یہ کہا کہ یہ شفا ہے، رحمت ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کو نصیحت بھی کہا گیا. اور وہ کیوں؟ کیونکہ جن لوگوں کو قرآن سمجھ آتا ہے ان کے لیے ایک ریمائنڈر بھی ہوتا ہے اس میں نا، یعنی جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کو باتوں کی یاد دہانی ہوتی ہے، ان کا ایمان بڑھتا ہے، ان کو ڈائریکشن ملتی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ آپ جب بھی قرآن پڑھتے ہیں تو کہیں کہیں ایمان کی بات ہوتی ہے، کہیں تقویٰ کی بات ہے، کہیں شکر گزاری کی بات ہے، کہیں پہ یعنی کوئی نہ کوئی کوالٹی ایمان والوں کی وہاں پر آپ کو ایک ریمائنڈر مل جاتا. تو جن لوگوں کو ریمائنڈرز ملتے ہیں ان کو ان کے اگر اور بھی مسئلے مسائل ہیں تو اس سے بھی ان کو ایک نجات مل جاتی ہے. تو اس لیے قرآن ہماری زندگیوں کو خیر سے بھرنے والی کتاب ہے. پھر آپ دیکھیں ہم نے ابن قیم کا یہ قول بھی پڑھا تھا کہ دلوں اور جسموں کی بیماریوں میں سے کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج اور اس کے سبب کی رہنمائی کا ذریعہ قرآن میں موجود نہ ہو. یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا، انسان یقین سے پڑھے اور اس کو اس کتاب سے فائدہ نہ ہو. پھر آپ دیکھیں کہ قرآن ایک برکت والی کتاب ہے. اچھا برکت کا اب تو آپ کو مطلب پتہ چل گیا ہوگا نا، تبارک اللہ زی شروع کر لینا. اچھا نہیں انشاءاللہ ہم کل کریں گے. تو جب آپ تبارک اللہ زی میں شروع میں دیکھیں گے نا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ برکت کا کیا مطلب ہے. چلیں الحمدللہ. تب آپ دیکھیں کہ یہ کتاب برکت والی ہے، زندگیوں میں خیر و برکت لانے والی ہے. تو برکت کیسے آئے گی؟ جتنا زیادہ اس کتاب کے ساتھ وقت گزاریں گے. اب آپ دیکھیں کہ جیسے خاص طور پہ آج کل شاید آپ کو فیل ہو رہا ہوگا نا کہ مثلاً ٹائم کم ہے، بہت سارے کام کرنے، یہ بھی یہ بھی یہ بھی. تو بعض دفعہ ہم کاموں میں اتنے مشغول ہو جاتے کہ قرآن کا وقت ہم کم کر دیتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ بعض مفسرین کہا کرتے تھے کہ ہم قرآن پڑھنے میں مشغول ہوئے تو ہمیں دنیا میں برکات اور خیرات نے ڈھانپ لیے. یس، تو ڈیلی تلاوت آپ نے نہیں چھوڑنی. آپ دیکھیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ 24 گھنٹے میں مجھے 5-10 منٹ کا ٹائم نہ ملے. ہم میں سے ہر کوئی 5-10 منٹ آرام سے نکال سکتا ہے. اور آپ دیکھیں جو قرآن کا مصحف ہوتا ہے جسے 14 پیجز ہوتے ہیں، وہ آپ آرام سے ایک پیج 2 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں. تب آپ دیکھیں اگر میں ایوری ڈے 10 منٹ نکال رہی ہوں تو اس کا مطلب 5 پیجز آف قرآن. اور جو 10 سے زیادہ وقت نکالیں گے انشاءاللہ اتنی زیادہ برکت ہوگی. ٹھیک ہے؟ نہیں آپ دیکھیں الگ ریسائٹیشن کبھی وقت نکالیں، سبق کا بھی اور اس کا. جیسے آپ کو کہا نا کہ نماز کے بعد ایک پیج پڑھ لیں، نماز کے اذکار کے ساتھ آپ ایک پیج ایک مصحف رکھیں پاس صرف ریسائٹیشن کے لیے. باقی بھی الحمدللہ کام کریں لیکن قرآن کی تلاوت ضرور ہونی چاہیے تاکہ ہماری زندگیوں میں برکتیں اور خیر آئے. ٹھیک ہے؟ اچھا آپ یہ بتائیں کہ قرآن پڑھنے سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کیسے کشادہ ہو جاتا، یعنی یہ بات ہمیں بتائی گئی، آپ کے خیال میں کیسی کشادگی آتی ہے؟ خیر و برکت آتی، مثلا کوئی مثال دینا. آپس میں تعلق اچھا ہوتا ہے، دلوں میں سکون ہوتا ہے، دل کی وسعت ہوتی ہے، شاباش، کشادگی ہوتی ہے، شکر سے دل میں سکون آتا ہے، صبر آتا ہے، امن و سکون ہوتا ہے. گڈ، بالکل. ہمارے اسلاف جتنے زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے اتنی برکت ہوتی تھی، دل کی تنگی ختم ہوتی. ویری گڈ.
अच्छा मैं आपसे एक जैसे अबू हुरैरा का ये कॉल है, तो आप देखिए कुशादगी का क्या मतलब है, आप इससे समझ। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहा करते थे कि बेशक कुरान पढ़ने की वजह से घर अपने रहने वालों के लिए कुशादा हो जाता है। ये कुशादगी क्या होती है? इसमें फरिश्ते हाजिर होते हैं, शयातीन उस घर को छोड़ देते हैं और उसकी खैर और बरकत बढ़ जाती है। अब आप देखें कुशादगी कैसे आती है, फरिश्ते क्या लेके आते हैं ये बताइए। अल्लाह की रहमत, ठीक। अच्छा हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए बदगुमानियां, गुस्सा, मूड ऑफ होना, ये बातें किसको खुश करती हैं? चीखना चिल्लाना, शैतान, ठीक है। अब हुआ क्या है, आपके घर में कैसे कुशादगी आई है? क्योंकि कुरान आप पढ़ रहे, फरिश्ते आ रहे और शैतान निकल गया। जब शैतान नहीं होगा तो बदगुमानियां भी नहीं होंगी, शैतान नहीं होगा तो वसवसे नहीं आएंगे, शैतान नहीं होगा तो फिर एक्सपेक्टेशंस भी नहीं होंगी दूसरों से, शैतान नहीं होगा तो नियत का इखलास भी होगा, शैतान नहीं होगा तो अल्लाह पे नजर ज्यादा रहेगी, बंदों पे कम रहेगी, ठीक है। तब आप देखें कि ये सारी चीजें बता, ये है कुशादगी। बाज़ हम सिर्फ और तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं ना कि अच्छा शायद कोई वुस्सत आ जाती है। वुस्सत आपके दिल में आती है और जब आपका दिल वसी होता है तभी आप अपने घर में खैर बरकत महसूस करते हैं कि आप हर एक को सलाम भी कर रहे हैं, आप मुस्कुरा भी रहे हैं, मूड भी आपका अच्छा है, तो ये सब चीजें, तो घर का माहौल खुद बहुत अच्छा है। बिल्कुल हम जो है वो छोटी छोटी बातों में अपना वक्त जाया नहीं करते फिर। अच्छा क्या हमने अपनी इस उम्र के हिस्से के लिए कोई प्लानिंग की है? ये एज भी आनी है ना हम सब पे, क्या प्लानिंग है हमारी इस एज के बारे में? कोई रिटायरमेंट प्लान आपने बनाया है अपना? अब देखिए हम सबको अपने माल की कितनी फिक्र रहती है ना, लेकिन क्या इस बात की क्यों भी फिक्र है? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। एक प्लानिंग जो आपकी होनी चाहिए वो क्या है कि जब मेरे पास ज्यादा फरागत होगी, यानी जब ये वक्त आ जाएगा जिसको बुढ़ापा कहते हैं, बुढ़ापा आप देखिए वैसे तो जहनी होता है लेकिन बाद में आप जिस्म में भी कुछ चीजें महसूस करना शुरू कर देते हैं, तो आप क्या सोचें कि मैंने कुरान को तो नहीं छोड़ना। जैसे आप देखेंगे बहुत सारे आपने बुजुर्ग देखे होंगे वो सारा दिन कमरे में बैठे रहते हैं, यानी मुझे कोई एक दफा बता रहा था कि वो अपने किसी बुजुर्ग की रूटीन मुझे बता रही थी कि वो सुबह उठते नाश्ता करते हैं, फिर मैं उनको टीवी लगा देती हूँ, फिर वो टीवी देखते रहते हैं 1 बजे तक, फिर मैं उनको खाना देती हूँ, फिर उसके बाद वो सो जाते हैं, फिर वो उठते हैं, फिर मैं उनको टीवी लगा देती हूँ। अब आप देखें कि मसलन टीवी में वो क्या देख रहे हैं ना, क्या सीख रहे हैं उससे, यानी वो बार दफा चीजें टीवी देख देख के जो नई भी उनके दिमाग में होती वो भी आती है। और आप देखें कि टीवी क्या फरिश्तों का नजूल होगा इतना ज्यादा टीवी देखने से? तभी तो बुजुर्ग जो हैं वो इतनी ज्यादा उनके अंदर एक दिलों में तंगी और हर वक्त कंप्लेन, क्योंकि वो कुरान के साथ वक्त नहीं गुजार रहे ना। माशाल्लाह, बिल्कुल आप देखें कि वही बात है कि हमारे रोल मॉडल्स कौन है ना, हमारे बच्चों के रोल। अब आपके बच्चे भी हैं वो क्या देख रहे हैं कि दादा दादी है, नाना नानी है, उनका सारा दिन क्या काम है? टीवी देखना। अब बच्चे क्या इंस्पिरेशन ले रहे हैं कि उनको भी शायद ऐसे वक्त गुजारना है टीवी देख के। लेकिन अगर बच्चे ये देख रहे हैं कि जो नानी है वो दादी है, दादी जो भी हैं या खाला हैं या पुप्पो हैं वो कुरान के साथ वक्त गुजार रही हैं, तो फिर क्या होगा? वो भी एक इंस्पिरेशन लेंगे ना। जैसे आप देखें ना, आप में से किसी ने लिखा कि मेरी दादी हर वक्त कुरान पढ़ती रहती, मैंने भी अपनी नानी को ऐसे ही देखा। यानी हम छोटे छोटे थे और एक अलमारी थी हमारी जिसमें ये जूस पड़े हुए होते थे ना, तो माशाल्लाह वो दिन में 5 जूस पड़ती थी।
तो हर बच्चे को अच्छा मुझे वो सिपारा ला दो, मुझे वो सिपारा ला दो। तो हम सारा दिन अलमारी से ना लाते ले जाते, लाते थे, रखते थे, लाते थे, रखते थे। और आप देखें कि 10 दिन में माशाल्लाह ये बाज़ दफ़ा उससे भी कम दिन में उनका पूरा कुरान कंप्लीट हो जाता था। तो इसलिए आप देखें हमें भी जब हमारा आप सब अभी आप देखें हम कभी आप सोचते हैं ना ये टाइम नहीं वो टाइम नहीं, तो एक टाइम हम सबकी जिंदगी में ऐसा आएगा जब हमारे पास बहुत फरागत होगी। तो उसके लिए अभी से सोच के रखें कि मैंने ज्यादा वक्त अपना तिलावत में गुजारना। माशाल्लाह आप सबको तो तर्जमा भी आता है ना, तो आप तिलावत भी करें तर्जमा भी आप याद करें साथ साथ। फिर आप देखें कि इब्ने अब्बास की रवायत है, इब्ने अब्बास के बारे में माशाल्लाह आप सबको पता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कजन थे, चचा के बेटे थे और बेहतरीन मुफस्सिर थे, यानी इनको हर आयत के बारे में पता था कि कब वो नाजिल हुई। और फिर उमर रसालन इनको अपनी मजलिस में जरूर रखते थे। तब आप देखें कि उन्होंने ये जो इंशाल्लाह अभी आप पढ़ेंगे भी सूरह 3 उसमें आता है ना सुम्मा रददनाहु असफल साफिलीन इल्लल्लज़ीना आमनू, वो मैंने पीछे लिल मोमिनीन आपको कहा था ना शिफा और रहमत है मोमिनीन के लिए। तो इब्ने अब्बास कहते हैं कि जो कुरान पढ़ता है वो अर्जलिल उमर की तरफ नहीं लुटाया जाता कि वो जानने के बाद भी कुछ ना जान सके। यानी आप देखें जानने के बाद भी कुछ ना जान सके इसका क्या मतलब है, मेमोरी इफेक्ट होती है, बातें याद नहीं रहती, डिमेंशिया, बहुत सारी जो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें मेमोरी आपकी काम नहीं करती। और ये ओल्ड एज का एक बहुत बड़ा आपने देखा होगा कि बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा ये भी जायजा लें कि उन बुजुर्गों की जिंदगी में कुरान नहीं है। ऐसा है जो आपने ऐसे बुजुर्ग देखे उसकी यही वजह है ना। अब आप देखें मैं कुछ जिससे अपनी फैमिली में लोगों से मिली हूँ 80s 90s में और माशाल्लाह उनकी मेमोरी इतनी अच्छी है और उनको सब चीजें याद है। और एक जो मेजर फैक्टर सब में कॉमन था वो उनकी नमाज और कुरान है। क्योंकि आप देखें कुरान हमारे जिससे हमको शिफा देगा, हमारे दिल हमारा दिल जब जिंदा होगा ना, कुरान हमारे दिल की जिंदगी है, तो हमारा दिमाग भी जिंदा रहेगा क्योंकि सप्लाई मिलती रहेगी ना उसको। लेकिन अगर आप सब कुछ छोड़ दें, अच्छा इसी तरह आप देखें कि फ्री टाइम बाज दफा हमें ट्रैवलिंग में भी मिलता है। जैसे एक मैं किसी स्कॉलर का लेक्चर सुन रही थी तो उन्होंने कहा कि मैं उमरा ग्रुप लेकर गया और एक सिस्टर मेरे उम्रा ग्रुप में थी, तो उन्होंने कहा कि मैं इस इन 8 दिनों में पूरा कुरान मजीद मुकम्मल करूंगी। तो कहते हैं, मैंने सोचा कैसे करेंगी, टायर्डनेस से हम US से जा रहे हैं। और कहते हैं कि मैंने देखा कि माशाल्लाह ड्यूरिंग फ्लाइट ऑलरेडी उन्होंने 5 जूज पढ़ लिए थे। ज़ाहिर इतनी लंबी हमारी फ्लाइटें होंगी ना 14 14 घंटे की। तो कहते बाय द टाइम हम जद्दा पहुंचे तो शी वॉज ऑलरेडी ऑन जूस 10, यानी सिर्फ ट्रेवल में उन्होंने 10 जूस पढ़ लिए थे। तब आप देखें कि कितना टाइम होता है ना और किस में गुजर रहा होता है। तो इसलिए आप अभी से ये आदत अपनी डालें कि मुझे कुरान मजीद के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारना है। आप देखिए ये आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि आप क्या आपको ये पता है कि कुरान की तिलावत के जरिए आप सदके का अजर भी कमा सकते हैं। कुछ याद है आपको वो हदीस कैसे कमा सकते हैं? अच्छा सवाल, इसकी दलील एक हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुलंद आवाज से कुरान पढ़ने वाला ऐसे हैं जैसे ऐलानिया तौर पर खैरात करने वाले, और आहिस्ता आहिस्ता कुरान पढ़ने वाला ऐसे है जैसे चुपके से खैरात करने वाला। अब देखिए कुछ लोगों के पास तो माशाल्लाह बहुत माल होता है ना, तो वो माल अल्लाह के रास्ते में देते रहते हैं, मगर हर कोई मालदार नहीं होता। तो अल्लाह ने आपको मौका दिया है सदका करने का, और कैसा सदका,
कभी आप एलानिया सदका करें ऊंची आवाज में तिलावत करके, और कभी आप आहिस्ता सदका भी करें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्यारी हदीस है, आप सब भी शेयर करें। क्योंकि आप देखिए अक्सर सुस्ती हो जाती है ना, ये अच्छा हाँ पढ़ती हूँ पढ़ती हूँ, तो अब आपने क्या सोचना, ये सदका भी तो है ना। फिर आप देखिए इसी तरह अबू हुरैरा का जो कॉल है असल में वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस की समरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग अल्लाह के घरों में से किसी घर में अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं और आपस में इसकी तालीम व तदरीस में मसरूफ होते हैं, इन पर सकीनत नाजिल होती है, रहमत उन्हें ढांप लेती है, फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं और अल्लाह उनका जिक्र अपने पास मौजूद फरिश्तों में करते हैं। अब आप देखें जब आपका दिल पुरसकून है, अल्लाह की रहमत ने आपको ढांप लिया है, फरिश्तों ने आपको घेर लिया है, तो क्या वहां शैतान आ सकता है, क्या शैतान की वहां एंट्री हो सकती है? नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली। आप देखिए लो वॉल्यूम से भी पढ़ सकते हैं और हाई वॉल्यूम दोनों तरह पढ़ें। जब आपको ये हो ना कि किसी को मुझे याद दहानी करवानी है कि उसे भी कुरान पढ़ना चाहिए, तो ऊंची आवाज में पढ़ें। जब आपको हो के ये अमल मेरा अल्लाह के लिए खालिस है, बहरहाल आप देखिए आपकी जबान तो मूव करनी चाहिए लेकिन आवाज बहुत ऊंची ना करें, आहिस्ता आवाज में पढ़ना चाहिए, ठीक है? अच्छा ये बताएं कि जो दिन कुरान के बगैर हो वो कैसा गुजरता है आपको? ऐसे दिन भी आते हैं ना कि आप इतने बिजी थे, मेहमान आ गए, शॉपिंग पे चले गए और टाइम ही नहीं मिला कुरान पढ़ने, बिल्कुल मूड ऑफ होता है, बेसकूनी सी होती है, ऐसे कुछ गुम गया, बिल्कुल। और आप देखें ये अबू हुरैरा ने भी यही बात कही, क्योंकि अल्लाह के रसूल की वो हदीस दोनों तरह हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं ना, कि जब आप पढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, कुशादगी, जब नहीं पढ़ रहे, कुरान ना पढ़ने की वजह से घर अपने रहने वालों के लिए तंग हो जाता है, तंगी दिल में होती है, घर नहीं टाइट हो जाता, दिल तंग हो जाता है, मूड ऑफ, हरे पे गुस्सा कर रहे हैं, चीख चिल्ला रहे हैं। जब ऐसा कर रहे हो ना तो अपने आप से पूछा करें, आज मैंने कितना कुरान पढ़ा? हाँ मुझे लगता है इसीलिए ऐसा हो रहा है। फरिश्ते उसको छोड़ देते हैं, शयातीन उसमें बसेरा करते हैं, फिर फ्रस्ट्रेशन, मियाँ से लड़ाई, बच्चों को डांट डपट, जिसका फोन आ रहा है उससे भी लड़ाई, अम्मी अबू से शिकायतें, बहन भाइयों से, क्योंकि शैतान को ये सारे काम खुश करते हैं। और फिर खैर व बरकत भी, बिल्कुल खैर व बरकत कम हो जाती है, ऐसी जगह से मसाइल आते हैं जहां से पता ही नहीं होता हमें, एंग्री फॉर नो रीजन। आप देखिए कुरान आप हर हालत में पढ़ सकते हैं, जब आपके ऐसे डेज हो तो आप फिर कौन से पढ़ लें, मुसहफ से ना पढ़ें, बाकी दिनों में मुसहफ से पढ़ें, इन दिनों में कुरान से यानी फोन या आईपैड से पढ़ लें, ठीक है? अच्छा अब आपने अपने आप से पूछ रहे हैं कि आज मैंने कुरान की कितनी तिलावत की है, बस नेक्स्ट वीक आपने मुझे बताना है कि ट्यूसडे से लेके नेक्स्ट ट्यूसडे तक आपने कितने कुरान के पेजेस, सिर्फ रिसाइटेशन आपने बताना है मुझे, ठीक है? तो हर रोज आपने लिखना और फिर आप मुझे बताएंगे कि इन 7 दिनों में आपने कितनी तिलावत की, ठीक है? चलिए बारकल्लाह फीकुम माय डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह यहाँ पे हमारा कुरान का टॉपिक मुकम्मल हो गया, रूहानी सेहत, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अब हम सब कुरान को अपना दोस्त बनाएंगे, इसके साथ अपना वक्त गुजारेंगे ज्यादा से ज्यादा। अगर बहुत बिजी हैं, बहुत काम है, हर नमाज के बाद एक पेज पढ़ने से 2 मिनट लगते हैं, एटलीस्ट 5 पेजेस अ डे तो मैंडेटरी हम सबके लिए होना चाहिए। सुभानक अल्लाहुम व बिहमदिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुक व अतूबु इलैक, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।